क्या नाम आपका? मोहम्मद फैजान। क्या हुआ फैजान बताओ? सुबह मैं अपने जो करोल बाग काम करता हूँ ना, मैं सुबह 212 मतलब टैंक रोड जाता हूँ काम करने, तो मैं खजूरी लालबत्ती से बस पकड़ता हूँ 212। तो जैसे मैं बस में चढ़ा, चार बिंदु के ग्रुप था, उन्होंने मेरे को घेर लिया बीच में। मैंने फ़ोन अपनी जेब में रखा, मैंने फ़ोन पैसे निकाला था टिकट के लिए, जैसे ही मतलब टिकट फ़ोन रखा जेब के अंदर, वैसे उन्होंने मेरा फ़ोन निकाल लिया। तो उसमें से दो तो भाग के दो को हमने पकड़ लिया। फिर वो बस ड्राइवर ने गेट बंद करके तिमारपुर थाने पर बस लगा दी। फिर हमने चोरों को वहाँ पर रखा। फिर वो सर कह रहे थे कि ये हमारे अंडर में नहीं आता थाना। फिर वो हम वहाँ से लेके तिमारपुर थाने से लेके न्यू उस्मानपुर थाने में लेकर, और हमें आज सुबह के 11 बजे से आगे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमारे एक फ़ोन तो मिल गया था हमें, पर एक फ़ोन नहीं मिला। एक फ़ोन इन पे सर पे जमा है, मगर उन्होंने अभी तक हमें दिया नहीं है, ना कोई कार्रवाई करी है। सुबह के बैठे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ये बस टाइम पे टाइम दे जा रहे हैं। और कितने लोगों के मोबाइल छीने थे? दो, इसका इसके चाचा का। एक मेरा और एक मेरे चाचा का। चाचा का तो फोन मिल गया, मेरा फोन नहीं मिला। दो छीन लिया, मिले नहीं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हो आप? बस मैं ये चाहता हूँ हमें इंसाफ मिल जाए, मेरा फोन मिल जाए, हमारे दोनों फोन मिल जाए बस। पुलिस क्या कह रही है? ये टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं। सुबह SI साहब सुबह के गए थे 5 बजे, तो वो आए, फिर वो आए तो उन्होंने बातचीत करी, पूछताछ करी, फिर कम से कम उन्होंने 5 बजे से 8 बजे तक हमें बिठा के रखा। फिर कह रहे हम मैं SHO साहब से बात करूँगा, फिर आगे बताऊँगा, अब तक कोई बात नहीं हुई है। हमें यहाँ 10 बजने वाले हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हम यहाँ ही बैठे थे। कितने चोरों को पकड़ा था? दो चोरों को। कहाँ है वो? अंदर है, थाने में बंद कर दिया। अंदर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लॉकअप में बंद नहीं करा अंदर। क्या नाम आपका? उस्मान अली। हाँ, क्या हुआ उस्मान बताओ? ये मेरे बेटा और मेरा छोटा भाई जॉब करने आया है करोलबाग टैंक रोड, तो बस में खजूरी से जैसे ही चढ़े हैं वैसे ही इसका मोबाइल निकाल लिया। फिर बस में आवाज़ लगाई, बस को साइड में रोक लो। उन्होंने रोक लिया, फिर झारा लिया उन लड़कों पे, तो झारा दिया नहीं, इसे थप्पड़ मार दिया। फिर इन्होंने भिड़ाभड़ उधर हो गई, फिर इसका मेरा भाई छोटा वो भी आ गया, तो उसका भी निकाल लिया। तो उसका तो मिल गया सीट के नीचे, वो भी इनके पास आएगा। और एक मोबाइल लेगा, दो बंदे फरार हो गए, दो बंदे हैं थाने में। अब हम 11 बजे से पड़े हुए हैं, हम लोगों की अभी कोई सुनवाई नहीं है। क्या थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई भाई जी। क्या सुनवाई नहीं हुई आपकी? कुछ भी नहीं, ना भूखे प्यासे बैठे हैं 11 बजे के, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उनको बंद नहीं करा चोरों को? नहीं नहीं बंद कराया, ना हमें कोई इंसान मिला है। हम चाहते हैं हमारा मोबाइल मिल जाए हमारे बच्चों को, हम मजदूर आदमी, हम आगे को हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम तो अपने इंसान चाह रहे हैं हमारा माल मिल जाए, हमारे बच्चे जॉब पर जाएँ, अपना धंधा करें। मोहम्मद समझात, क्या हुआ बताओ? मोबाइल निकाल लिया हमारा बस के अंदर से 212 से। हम जाते टैंक रोड काम करने खजूरी में। कब की बात है? कैसे हाथ में चोट लगी? सुबह हो गया 9:30 बजे। कितने लोग थे वो निकालने वाले बदमाश? चार जने थे वो, दो पकड़े गए, दो भाग गए। हाथ में चोट कैसे लगी? ये एक लड़के ने काट लिया था जिसने चोट ने। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर पकड़ के लेके आया थाने में, लोकल पुलिस थाने, उस्मानपुर थाने। फिर उस्मानपुर थाने वहाँ से लेके जब आए। हाँ बताओ। 9:30 बजे निकले थे सर, हम 9:30 बजे वहाँ पकड़ लिया था मैं, यहाँ पे हमें 10 बजे लेके आ गए थे। जब उसे कार्रवाई गिर लिया, हमारे कार्ड भी लिया था इनने। 11 बजे से हम पड़ेंगे, 11 बजे से हम यहाँ हो गए, 9 बजने वाले अभी तक घर नहीं गए, हमें कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई हमारी।